पूरी दुनिया को कोरोना देने वाला चीन अब खुद अपने ही जाल में फंस गया है। कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा कर दुनिया पर अपनी धौंस जमाने का चीन का सपना फिलहाल टूटता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल चीन में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के दौरान एक बच्ची अपाहिज हो गई। बच्ची की मां का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग वैक्सीन बनाने वाले विशेषज्ञों को अवार्ड पे अवार्ड देते जा रहे हैं। इस वीडियो में आप देखें कि कैसे चीन की वैक्सीन की पोल खुलती नजर आ रही है। ट्रायल के दौरान एक बच्ची पर जब वैक्सीन का ट्रायल किया गया तो चीन की इस कोरोना वैक्सीन की वजह से बच्ची अपाहिज हो गई। दुनिया भर में 150 से ज्यादा वैक्सीनों पर काम चल रहा है ताकि इस बीमारी को जड़ से मिटाया जा सके। चीन में कुल कोरोना के मामले 85,146 हैं, जिनमें से 80,347 लोग रिकवर हो चुके हैं और कोरोना से हुई मौतों की संख्या 4,634 पहुंच गई है। दुनिया भर की बात करें तो कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 27 मिलियन से भी ज्यादा हो गई है। चीन और चीन की इस वैक्सीन पर क्या है आपकी राय, ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।